अब जरा आपको जहरीले पनीर पर न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप पनीर खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्या क्या मिलाते हो पनीर में? दूध से बनाते हैं, केमिकल से बनता है पनीर। त्योहार में रंग होता है जश्न का, मन में उत्साह होता है एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटने का, और इसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है मिठाई और खाना पीना। लेकिन जिस मिठाई में हम अपनी खुशियों की मिठास का स्वाद चखते हैं, जिस पनीर और मावे से हम अपने जश्न का जायका तैयार करते हैं, अगर आपको बताए बिना उसमें कोई जहर घोल रहा हो तो ये मिलावट वाला है। दूध से बनाते हैं, केमिकल से बनता है पनीर। इसी से पर्दा उठाने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने किया स्टिंग ऑपरेशन। ऐसी जगहों पर खुफिया कैमरे के साथ हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे, जहां रसगुल्लों के साथ होता है खेल, जहां पनीर बनाने के लिए केमिकल का होता है इस्तेमाल। दूध से बनाते हैं, केमिकल से बनता है पनीर। जहां मिठाई को दूध से नहीं बल्कि ऐसी चीज से बनाया जाता है जो सीधा अटैक करता है आपकी सेहत पर। इसीलिए न्यूज 18 इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर ने खुफिया कैमरे के साथ छेड़ा अशुद्ध के खिलाफ युद्ध, और मिलावटखोरों के चेहरों को बेनकाब करने के लिए किया स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन मिलावट। न्यूज 18 इंडिया को मिली मिलावट की शिकायतों की पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो शुरुआती पड़ताल में ही हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को बुलंदशहर से खुफिया जानकारी मिली, और न्यूज 18 इंडिया के खुफिया रिपोर्टर ने अपना स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया और पहुंचे एक ऐसी फैक्ट्री में जहां बनता था मिलावटी पनीर। इस फैक्ट्री में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी, हर तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी, लेकिन यहां सिर्फ गंदगी की बात नहीं थी, यहां पर इस गंदी सी फैक्ट्री में वो पनीर बनता था जो लोगों के घरों में पहुंचता था, जो आपके खाने में आप अपनी अच्छी सेहत के लिए खाते हैं, लेकिन असल में ये पनीर पनीर नहीं होता बल्कि एक तरह का स्लो पॉइजन होता है, क्योंकि यहाँ इस फैक्ट्री में बनने वाले पनीर में इस्तेमाल होता था खतरनाक केमिकल। कैसे बनाते थे? कैसे बनाते सर? अच्छा, क्या क्या मिलाते थे दूध में? नहीं, दूध बनाते हैं दूध से। हाँ, तो ये पनीर बनाते हो या कुछ और भी? पनीर बनाते थे बस। सिर्फ पनीर? तो क्या क्या मिलाते हो पनीर में? दूध से बनाते हैं, केमिकल से बनता है पनीर। केमिकल से बनता है? बनाते हैं, फाड़ते हैं उसको। अच्छा, तो इससे तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। आप ये सोया वगैरह भी इसमें क्या मिला रहे हो? नहीं, सोया वाला तो सर वो और है, वो गाड़ी लेके आया था। अच्छा। उसकी थी वो खड़ी गाड़ी, वो यहाँ का भी नहीं। अच्छा, वो सोया का। जी हाँ, सही सुना आपने, ये शख्स जो न्यूज 18 इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर के खुफिया कैमरे में कैद हुआ है, यही इस नकली पनीर की फैक्ट्री का मालिक है, और ये खुद कबूल कर रहा है कि लोगों के खाने के लिए जो पनीर ये बनाता था उसमें ये केमिकल का इस्तेमाल करता था। एक बार और सुनिए। कैसे बनाते थे? बनाते सर। अच्छा, क्या क्या मिलाते थे दूध में? नहीं, दूध बनाते हैं दूध से। हाँ, तो ये पनीर बनाते हो या कुछ और भी? पनीर बनाते थे बस। सिर्फ पनीर? तो क्या क्या मिलाते हो पनीर में? दूध से बनाते हैं, केमिकल से बनता है पनीर। केमिकल से बनता है? बनाते हैं, फाड़ते हैं उसको। अच्छा,
तो इससे तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अब ये सोया वगैरह भी इसमें क्या मिला रहे हो? नहीं, सोया वाला तो सर वो और है, वो गाड़ी लेके आया था। अच्छा। उसकी थी वो खड़ी गाड़ी, वो यहाँ का भी नहीं। अच्छा, सोया का। समझ रहे हैं आप, न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में ये पहला कबूलनामा था जिसमें पनीर बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक ने यह खुद कबूल किया कि वो पनीर बनाने में केमिकल का इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। फैक्ट्री के मालिक ने एक झूठ बोला जिसका पर्दाफाश हमारे खुफिया रिपोर्टर की अगली पड़ताल में हुआ, जब इसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक कारीगर ने सच से पर्दा उठाया। ये मिलावट वाला है, इससे इससे फायदा होता है मिलावट करने में क्या? फिर क्यों मिला देते? अच्छा, दूध नहीं आता था? पाउडर वाला दूध आता है। तो तुम लोग उससे कितना पनीर बना लेते थे? इससे तुम ऐसे अंदाजा तो होगा कितने किलो जाता था पनीर यहाँ से जो मिलावट वाला होता है? 50 कुंटल भेज देते थे। क्या रुपये किलो जाता था यहाँ? दिल्ली तक जाता है, नोएडा दिल्ली तक जाता है। आप समझते हैं कि दूध से पनीर बन रहा है, लेकिन यहाँ इस फैक्ट्री में पनीर बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल हो रही थी वो आपकी सेहत को फायदा तो किसी भी सूरत में नहीं पहुँचाने वाली, बल्कि ये अस्पताल पहुँचाने के लिए काफी है। जान लीजिए कि नकली पनीर कैसे बनाया जाता है। पनीर बनाने के लिए दोयम दर्जे का मिल्क पाउडर इस्तेमाल होता है। पनीर बनाने के लिए हानिकारक केमिकल इस्तेमाल होता है। पनीर बनाने के लिए घटिया क्वालिटी का सोयाबीन प्रयोग में लाया जाता है। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन मिलावट में हमने ये भी जाना कि किस तरह का केमिकल नकली पनीर में मिलाया जाता है। हम उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर पनीर में सोयाबीन का क्या काम है और सोयाबीन से आखिर किस तरह से पनीर बनाया जाता है। दूध जो आया उसमें थोड़ा पानी डाला और उसमें ये डाला, क्या कहते हैं, सोयाबीन डाल दिया। सोयाबीन को डाल दिया, चूरा चूरा जो आता फटता नहीं है दूध? अच्छा, उसका दूध निकलता है। फिर क्या करते हो उसे? हाँ, केमिकल क्या मिलाते हैं उसमें? फिर फट जाता है वो। उसका पैकेट बनाते थे, खुले में बनाते थे। मार्केट से आप 300 से 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पनीर खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली नोएडा में सप्लाई होने वाला नकली पनीर कितने में बिकता है? जवाब आप खुद सुनिए। 70 रुपए किलो देते हो? 150 रुपए किलो। तभी मिलावट होती है, उसमें फायदा मिलता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नकली पनीर बनाने में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली और नोएडा में सप्लाई होने वाला पनीर अगर आप खरीद कर अपने घर नहीं ले जाते तो भी ये पनीर आप तक पहुंच जाता है, क्योंकि इस फैक्ट्री से कई ढाबे, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड के स्टॉल तक पनीर की सप्लाई होती है। अब जरा ये जान लीजिए कि नकली पनीर में किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता था। नकली पनीर को सफेद करने के लिए वो पेंट मिलाया जाता है जो दीवार रंगने के काम आता है। नकली पनीर में बेंजो सल्फामाइड नाम का केमिकल मिलाते हैं जिससे पनीर में मिठास आती है, हालांकि इसे इंसान खा सकते हैं। नकली पनीर में सोडियम फॉर्मल डिहाइड सल्फो ऑक्साइड केमिकल का इस्तेमाल उसे सफेद करने के लिए होता है, जिसका इस्तेमाल कपड़ों पर प्रिंटिंग
और पॉलीमर बनाने में होता है। नकली पनीर में इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल कपड़ों को सफेद बनाने के लिए होता है। बुलंदशहर में चल रही नकली पनीर की इस फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापा मारा और यहां से वो केमिकल बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल नकली पनीर में होता था। देखिए, ये है वो केमिकल जिसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में होता है। इसमें शामिल है कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, पेंट, डिटर्जेंट और भी बहुत कुछ। ये व्हाइट करने के लिए, ये क्या करता है? ये फाइब्रिक व्हाइटनर है, ये पेंट है एक तरीके का, जो हम लोग दीवार वगैरह करते हैं, ये पेंट है एक तरीके का। अच्छा, फाइब्रिक व्हाइटनर होता है जो दीवार वगैरह पेंट करते हैं। इस समय हम बुलंदशहर के जहांगीरपुर इलाके में हैं और यहाँ पर एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर पनीर बनाया जा रहा था। ये वो पनीर है जो हम लोग अमूमन इस वक्त मिठाई में इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, और इस पनीर की सप्लाई यहाँ से दिल्ली, नोएडा सभी जगह थी। और ये बताया जा रहा है जो पनीर है, देखिए पनीर की क्वालिटी ऐसी है कि आप बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे, अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये पनीर किस तरह का है। और इसको फूड डिपार्टमेंट ने एक छापेमारी के बाद पकड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो ये फैक्ट्री चल रही थी, इसमें सबसे खतरनाक चीज़ें, खतरनाक केमिकल थे। मैं यहाँ दिखाऊंगा, देखिए किस तरह के केमिकल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़रा नज़दीक आइए, विपिन पुजारी, ये पेंट है और ये यहाँ पर वाइटनर, फैब्रिक वाइटनर यानी कपड़ों में भी इस्तेमाल होता है, फैब्रिक चमकाने के लिए उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था इस पेंट को। और इसके अलावा ये कलर्स हैं यहाँ पर, और ये शाइनिंग करने के कलर्स हैं, ये इस तरह के कलर्स हैं जिनको, ये मिठास लाने के लिए, जो पनीर का मिठास आता है वो इससे आता है। और ये सचारिन, इस तरह से कोई लिक्विड है सचारिन, और इस तरह की चीज़ें इसमें मिलाई जाती थी। ये सारी चीज़ें छापेमारी के बाद यहाँ पर बरामद हुई हैं। चल रही थी, लेकिन ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जहां नकली पनीर बनाने का काम चल रहा है। कहीं पर सिस्टम की नजर है तो कहीं पर सिस्टम की नजर अब तक नहीं पहुंची है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया का अशुद्ध के खिलाफ युद्ध जारी है और ऐसे मिलावट खोरों का पर्दाफाश लगातार न्यूज 18 इंडिया के खुफिया कैमरे के जरिए होता रहेगा। सबसे अहम चीज़ ये कि पनीर को बनाने के वक्त लोग सोचते हैं कि वो बिल्कुल शुद्धता से उनके पास पहुंचता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पनीर को देखकर मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया। लेकिन कैसे ये प्रोसेस होता था, यहाँ पर एक मशीन है, मैं मशीन दिखाता हूँ आपको। ये वो मशीन है जहाँ पर जो दूध यहाँ पर आता था, उन्होंने खुद अपने मुँह से कबूला है कि उनके पास जो दूध आता था, उस दूध में, क्योंकि दूध इतनी मात्रा में यहाँ पर नहीं आता था पनीर बनाना होने के लिए, वो फिर इसमें इस्तेमाल करते थे सोया का दूध निकालते थे, यानी सोयाबीन जो होती है उसका दूध यहाँ पर निकाला जाता था। ये मशीन है जिसमें सोयाबीन का दूध निकलता था और इस दूध को इस्तेमाल किया जाता था इस कढ़ाई में। ये देखिए, ये मशीन है, यहाँ पर पूरा सोया को यहाँ पर ग्राइंड करके उसका दूध निकलता था यहाँ से, और उस दूध का इस्तेमाल जो किया जाता था वो इस तरह का दूध निकलता था, और दूध निकलने के बाद वो दूध यहाँ डाला जाता था। देखिए इस तरह से ये दूध में, ये आपको यहाँ पर ये देखिए, ये हम उस पनीर की बात कर रहे हैं जिस पनीर को हम खाते हैं। ये पनीर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मलाई लग गई है, और ये दूध नहीं बल्कि दूध के साथ सोया है। इसमें केमिकल डाले जाते थे ताकि इसकी मिठास हो पनीर की तरह। और उसके अलावा जो बगल वाली लेन है, बगल वाला जो ड्रम है, क्योंकि इसकी सप्लाई इस तरह से होती थी, और यहाँ पर भी ये दूध की तरह ये दिखाई देता था। देखिए बिल्कुल दूध और सोया को मिला के इस तरह से इंग्रेडिएंट बना देते थे कि जिसका जिससे पता ना चल सके कि पनीर में किस तरह की चीज़ें यहाँ पर शामिल हो रही थी। ये वो खतरनाक पनीर था जो सबसे ज़्यादा लोगों के शरीर में जा रहा है, और ये दिल्ली, नोएडा तक इसकी सप्लाई है। तकरीबन 150 रुपये किलो ये पनीर यहाँ से सप्लाई होता था, ऐसा यहाँ के जो कारीगर है उनका दावा है। क्योंकि फूड डिपार्टमेंट जब यहाँ पर पहुँचा था बुलंदशहर का, उनकी टीम पहुँची थी और उनके विभाग ने कई जगह रेड मार के इसका पता लगाया, क्योंकि बड़ी चालाकी से ये लोग इसे बनाते हैं और इसका पता किसी को नहीं चलता, लेकिन फूड डिपार्टमेंट को पता चला, जिसके बाद इस फैक्ट्री को सील किया गया। लेकिन पूरी मिलावटी पनीर जो है वो इस फैक्ट्री में मिलता था। और यहाँ पर देखिए, ये इस तरह के ड्रम रखे हुए हैं, क्योंकि इन ड्रमों में खास तौर से केमिकल होते थे और
और ये केमिकल नुमा जो अभी भी देखिए केमिकल किस तरह का होता है, ये इस तरह के केमिकल होते हैं, अगर आपको कभी भी दूध इस तरह का दिखाई नहीं देगा। और अब इस छापेमारी के बाद यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट का कहना है कि इस तरह का पनीर जिसे ये लोग बनाते थे ये वो पनीर है जिसे न्यूज़ 18 इंडिया अपने कैमरे पर दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पड़ताल भी की तो हमें पता चला कि 150 रुपये किलो ये पनीर जाता बनता था और यहाँ से सप्लाई होता था दिल्ली और नोएडा को। और उसमें पूरे मामले पर यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा न्यूज़ 18 इंडिया पर जो हमने दिखाया कि पनीर कैसे बनता है। तो ये तो आपने देखा कि किस तरह से मिलावटी पनीर आपकी थाली तक पहुंचकर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जरा बात करते हैं दिवाली के मौके पर आपका मुंह मीठा करवाने वाले रसगुल्ले की। दिवाली पर रस भरे रसगुल्ले में मिलावट का एक बड़ा पर्दाफाश न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर कैद हुआ। और हैरानी की बात यहां यह है कि दिल्ली NCR में नकली रसगुल्ले की कई सारी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। गाजियाबाद में नकली रसगुल्ले बनाने वाली एक ऐसी ही फैक्ट्री से हैरान कर देने वाली तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुई हैं और इन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि किस तरह से समाज के दुश्मन मिलावटखोर केमिकल वाला पनीर बाजार में उतारकर आपकी सेहत और त्योहार दोनों से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। चंद पैसे के लिए ये लोग आपको जहर खिला रहे हैं। देखिए ये तो हुई पनीर की बात। हम और आप दिवाली के त्योहार का आनंद मुंह मीठा करके उठाते हैं और इसके लिए रसगुल्ला हम सभी की पसंदीदा मिठाई है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर रसगुल्लों की वो सच्चाई आपके सामने अब पहुंचा रहे हैं जिसे देखकर और जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिस रसगुल्ले से हम और आप अपनों का मुंह मीठा करवाते हैं वो कितनी मिलावट और कितने गंदे तरीके से तैयार होता है। आपकी जान के दुश्मन और आपकी थाली में जहर परोस रहे मिलावटखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया का स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन मिलावट। मिठाई में मिलावट की शिकायतों की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में मिलावटी रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर पहुंचे और फिर न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो देखकर आप लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, दिवाली के मौके पर बाजार में सुंदर सी पैकिंग में बिकने वाले रसगुल्ले की फैक्ट्री की हकीकत तो काली स्याही से भी ज्यादा स्याह थी। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक फैक्ट्री के अंदर पहुंची जहां चारों तरफ फैली गंदगी मिलावट की कहानी खुद बयां कर रही थी। कई कनस्तरों और ड्रम में हमें रसगुल्ले भरे दिखाई दिए तो उसके साथ ही मक्खियां भी तैरती हुई दिखाई दी। और कहते भी है ना, बीमारी की सबसे बड़ी जड़ मक्खियां होती है और यहां पर हमें मक्खियों की तादाद सबसे ज्यादा मिली। ये सिर्फ एक ही फैक्ट्री का हाल नहीं था बल्कि कई और दूसरी फैक्ट्रियों का भी हाल कुछ ऐसा ही था। ये क्या है भाई? चाशनी सर। ये भी चाशनी है? हाँ। रसगुल्ले की? हाँ। और ये क्या है? ये भी चाशनी में क्या क्या बनाते हो? रसगुल्ले। त्योहार के समय बाजार में आने वाला मिलावटी रसगुल्ला आखिर तैयार कैसे होता है, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम एक फैक्ट्री में पहुंची और एक कारीगर से सच्चाई जानने की कोशिश की। कारीगर ने बताया कि रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले दूध को फाड़ा जाता है,
कई लोग दूध में पाउडर मिलाकर भी उसे गाढ़ा करते हैं, तो किसी के पनीर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कारीगर ने अपने हाथों से बनाकर हमें दिखाया कि कैसे कम लागत में कुछ लोग स्वादिष्ट मिठाइयां तैयार करने का दावा करते हैं। इस दौरान कारीगर ने हमें अरारोट मिलाकर उसे शेप देकर भी दिखाया और हमारी टीम ने खुद भी अरारोट मिलाकर एक रसगुल्ला बनाकर देखा। पनीर है और ये पनीर ये फटा और उसके बाद जब पनीर फट जाता है तो इसमें ये पनीर में अरारोट मिलाया जाता है क्योंकि ये अरारोट का पैकेट है, इसमें अरारोट इस तरह से अरारोट मिलाया जाता है। अरारोट की मात्रा होती है, हालांकि एक फूड जो FSSAI का नियम है कि उसमें एक लेवल तक उसको आप मिला सकते हैं, लेकिन जब ये सेट नहीं होगा तो इसमें फिर अरारोट को मिलाते रहना पड़ता है और इसी वजह से ये बनता है। जब ये पूरा अरारोट करके सेट हो जाता है तो इसमें मिलावट हो जाती है, हालांकि अरारोट की मात्रा उतनी ही मिलानी पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिला दिया जाए तो फिर मिलावटी मिठाई फैल जाती है और ये इस तरह से निकल कर आता है। जैसे आप इसको चाहेंगे तो फिर ये शेप अपने आप बन जाएगा, लेकिन आप देखिए जिस तरह से दीपावली में मिठाई जितनी भी मार्केट में आ रही है वो फैक्ट्रियों से बन रही है, क्योंकि अमूमन कई लोग जो दुकानें मिठाई की है वो खुद नहीं बनाते हैं और फैक्ट्रियों से लेते हैं और फैक्ट्रियों में इस तरह से मिठाइयों को तैयार किया जा रहा है। शिकायतें लगातार मिलती हैं कि मिलावटी आ रहा है, हालांकि फूड डिपार्टमेंट भी लगातार सैंपल उठा रहा है, क्योंकि जहां जहां पर उन्हें शिकायत मिलती है वो कोशिश ये करते हैं कि पूरी जगह से अपने सैंपल उठाएँ और इस तरह से मिठाइयाँ जो हैं बनती है। अभी छैना मिठाई यहाँ पर रसगुल्ला जो है ये मैंने खुद तैयार कर दिया है, तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह की जो मिलावटी मिठाई होती है, क्योंकि इसमें तो भाई साहब हमने मिलावटी मिठाई ही कर दी है ये, क्योंकि ये हमने ज़्यादा अरारोट मिलाया तो ये मिठाई हो गया। अब ये इसका शेप हो गया, जब तक मैं मिला रहा था तो पनीर मेरा गोल नहीं हो रहा था, ये देखिए ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें मुझे अरारोट की मात्रा ज़्यादा मिलानी थी। अरारोट जैसे ही ज़्यादा मिलाऊंगा तो फिर ये अपना शेप दे देगा, ये दूसरा पीस मैंने आपको दिखाया, इस तरह से ये शेप देगा और उसके बाद ये रसगुल्ला कहा जाएगा। इसके बाद ये चाशनी में जाएगा, चाशनी में चीनी मिलाते हैं या उसके अलावा क्या दूसरी चीज़ें मिलती है वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से हम दिखा रहे थे आपको कि इस वक्त दीपावली में मिठाई जो है वो मिलावटी होने की बहुत शिकायतें मिल रही हैं और मिलावटी मिठाई किस तरह से होती है ये हमने आपको बनाकर दिखाया है। तो देखा आपने किस तरह से अरारोट की तय मात्रा से ज्यादा मिलाकर रसगुल्ले को शेप दी गई और इस तरह से ये मिलावटी रसगुल्ला खाने के लिए तैयार हो गया। कारीगर से हमने रसगुल्ला बनाने की विधि भी पूछी तो उसने बताया कि 1 किलो रसगुल्ला बनाने में कम से कम 5 किलो दूध की जरूरत होती है, क्योंकि 1 किलो दूध में 200 ग्राम ही छेना निकल पाता है और 5 किलो दूध में 1000 ग्राम छेना निकल पाता है, यानी 1 किलो। लेकिन इसकी बिक्री 101 से 130 रुपए में होती है, जिसे डिब्बों में पैक करके मिठाई की दुकानों पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये 300 रुपए से ऊपर के दामों में बिक जाता है। इससे पहले ज्यादा अरारोट मिलाकर रसगुल्ला शेप में आ जाता है तो इसे चाशनी में डुबाकर फाइनल रूप दे दिया जाता है और फिर ये बिकने के लिए तैयार है। सबसे पहले दूध आता है, दूध को फाड़ के पनीर बनता है और उसके बाद छेना मिठाई या रसगुल्ला बनाने की तैयारी की जाती है। हमने आपको वो प्रोसेस दिखाया जिसमें छेना मिठाई या फिर रसगुल्ले को तैयार किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं हमें मिलावट नजर आई। हालांकि फूड डिपार्टमेंट लगातार इस तरह के सैंपल लेता है, लेकिन जब रसगुल्ला तैयार हो जाता है, उसकी गोलाई और उसका शेप बना दिया जाता है, तो उसके बाद उसे इस तरह से चाशनी में डाल देते हैं और ये चीनी वाली चाशनी है। आपको यहाँ पर दिखाएंगे विपिन, इसको क्लोज दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर इस चाशनी को तैयार करके उस रसगुल्ले को इसमें डाल दिया गया और यहाँ पर अब रसगुल्ला तैयार होगा। एक प्रोसीजर के बाद ये सारी कार्रवाई होती है, क्योंकि जब भी आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपको देखना भी जरूरी है कि किस तरह से, हालांकि हर कोई प्रोडक्शन यूनिट अपना रसगुल्ला तैयार होते हुए नहीं दिखाती, लेकिन हमने आपको ये चीज़ दिखाई। और इसमें जब जब इस तरह की शिकायतें मिलती है तो फूड डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करता है और ये यहाँ पर रसगुल्ला का पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाई है। तो सावधानी से दीपावली में आप जब भी मिठाई लें तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज कहीं पर भी किसी को नहीं करना चाहिए और ये बात हम भी लगातार लोगों से कहते आए। लेकिन हैरानी की बात यह है
कि इस मिठाई में अरारोट और सोडा की मिलावट होती है। अरारोट की मात्रा ज्यादा हो जाती है क्योंकि पनीर को टाइट करके गोलाई या शेप लाने के लिए अरारोट ज्यादा डाला जाता है, और अरारोट जितना ज्यादा मिलाया जाएगा तो रसगुल्ले वाली ये मिठाई उतनी और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि मानक ये कहता है कि रसगुल्ले में पनीर की मात्रा ज्यादा और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कम लागत में स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए उसमें अरारोट सबसे ज्यादा मिलाया जाता है ताकि वो स्वादिष्ट बन जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जिस मिठाई को आप बड़े चाव से खा रहे हैं वो जहर भी बन जाएगी, क्योंकि रसगुल्ले में या दूसरी मिठाइयों में ये मिलावट ही मिठाई को खतरनाक बनाती है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। फिलहाल न्यूज 18 इंडिया के खुफिया कैमरे में दर्ज तस्वीरों के जरिए गाजियाबाद में चल रही मिलावटी रसगुल्लों की फैक्ट्री का पर्दाफाश आपने देखा, जहां बने रसगुल्ले दिल्ली और नोएडा के लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। गाजियाबाद में नकली रसगुल्ले की एक फैक्ट्री का सच आपने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के जरिए देखा। ऐसे पता नहीं कितने गाजियाबाद और हैं जहां सेहत के दुश्मन नकली मिठाई तैयार करके लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही मिलावट खोरों का पर्दाफाश न्यूज 18 इंडिया के खुफिया कैमरों के जरिए आगे भी होता रहेगा।